जोर से सीटी बजा दो, वो अच्छा पोज करेंगी। And now comes the handsome man, the chivalrous. This is Sharib Hashmi. Come on, make some noise. And let's have the beautiful Nargis Fakhri here. एक्चुअली ये जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है, बहुत यूनिक जोड़ी है ये। जरूर देखेंगे हम वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। एंड नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, गिव इट अप फॉर अनुपम खेर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके कम ऑन, कुछ एक बॉक्सिंग पोज भी हो जाना चाहिए। बॉक्सिंग पोज, यस द बॉक्सिंग पोज, यस कम ऑन। दिस इज नॉट सिनोनिमस विद द पोस्टर एंड द फिल्म। ओह माय गॉड, नीना जी इज लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग टू मी। नीना जी इज लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग, वॉली मार देगी। अच्छा तो अभी डिमांड हाई इन डिमांड, टू लाइंस। वी आर रियली ऑनर्ड टू गेट इनवाइटेड फॉर सच अ स्पेशल ओकेशन। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट वी आर कमिंग हियर एंड वी लुक फॉरवर्ड, लाइक वी लव यू सो मच, थैंक यू फॉर कॉलिंग अस। थैंक यू, लवली, इट विल नॉट बी सीन। गेट सम फ्रंट वन टू से एंड व्होएवर इज शॉर्ट प्लीज कम अहेड। पहली बात तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप आते हैं, आपके ज़रिए ही हमारा जो ट्रेलर है वो दुनिया तक जा सकता है। आज ट्रेलर लॉन्च था हमारी फिल्म का, फिल्म का नाम है शिव शास्त्री बेलबोआ, एंटायरली शॉट इन अमेरिका। इट्स ए स्पाइस ऑफ लाइफ फिल्म। अच्छा रिएक्शन मिला जिन्होंने आज ट्रेलर देखा है, और 10 फरवरी को ये फिल्म थिएटर्स में रिलीज़ हो रही है। आजकल तथ्य जो है, जो कंटेंट है वो फिल्म का इम्पॉर्टेंट है, तो उसमें एक नई शुरुआत हुई है। पिछले साल बहुत अच्छी फिल्में मेरी गई, इस साल की शुरुआत इस फिल्म से है।
मेरी गुजारिश होगी कि तमाम लोगों से फैमिली के साथ जाकर ये फिल्म देखें, इसका लुत्फ उठाएं, इसका मज़ा लें। एंटरटेनिंग तरीके से इसके पीछे एक सीख भी है हमारे, वी हैव टू ऑल फाइंड द हीरो विद इन अस। हम सब के अंदर कोई ना कोई हीरो है, मतलब नेसेसरली फिल्म वाला हीरो नहीं, वो हीरो जो जिसकी ताकत का उसे एहसास नहीं। तो ये फिल्म है आपको उस ताकत से आपका तारुफ करवाएगी, आपको इंट्रोड्यूस करेगी। सर कितना ब्लेस फील होता है, योर स्टूडेंट्स आर आल्सो हियर, मैंने देखा काफी जोश में थे आपके स्टूडेंट जब भी आपकी एंट्री हो रही थी। आई थिंक एक्टर प्रिपेयर्स जो है मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि है, मेरा जो एक्टिंग स्कूल है 2005 में उसको एस्टेब्लिश किया था, आज 18 साल हो गए हैं और इधर से इतने सारे लोग निकले हैं, बहुत सारे जाने पहचाने जो कुछ लोग अपनी जान पहचान बना रहे हैं। तो आई वांटेड टू गिव देम एन एक्सपीरियंस ऑफ ए ट्रेलर लॉन्च, क्योंकि कल को जब उनकी फिल्मों का ट्रेलर लॉन्च होगा तो मेरे लिए सबसे बड़ी गर्व की बात होगी कि मैं ऑडियंस में बैठा उनका ट्रेलर देख रहा हूँगा। एंड दे आर वेरी सपोर्टिव, दे आर यंग ब्लड, मैं अपने आप को उनमें देखता हूँ जब मैं मुंबई इस शहर में आज से तीन जून 1981 को आया था। तो ये मुंबई शहर बड़ा दयानतदार है, बहुत दया वाला, ये हर एक को एक ना कोई मौका देता है। पर फिलहाल मेरी आपसे गुजारिश है कि आप हमारी ये फिल्म बहुत जल्द 10 फरवरी को रिलीज़ हो रही है, ज़रूर देखिए। सर फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेलर तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा था और आप बहुत क्यूट लग रहे हो, जैसे हम आप हमेशा लगते हो। सर जैसे कि हम सबने ट्रेलर में देखा, इसमें न्यूज़ मीडिया वाले भी दिखे हैं, रजत शर्मा सर दिखे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? हम चाहते थे कि वो स्क्रिप्ट में लिखा था, स्क्रिप्ट में अर्जुन ने स्क्रिप्ट में ऑलरेडी लिखा था कि इसमें मुझे रजत शर्मा जी एंकर हैं, तो ही इज़ ए फ्रेंड ऑफ माइंड, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप क्या ये रोल कर सकते हैं, और उन्होंने किया है एंड वी आर हैप्पी अबाउट इट। सर कल फर्स्ट फाइव है, जैसे कि फर्स्ट फाइव को बजट निकलता है, बजट कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री के लिए कितना? बजट हर एक की दिनचर्या में इम्पोर्टेंट है, हर एक के लिए उसका इम्पैक्ट पड़ता है। मैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट के का बेटा हूँ, हर साल बजट पे बोलते थे चलो इस बार ये रिलीफ मिला है, इस बार ये हुआ है, इतने ब्रैकेट में आया है। हालांकि बहुत सालों तक तो उन्होंने उनकी इनकम कभी इतनी हुई नहीं थी कि वो बजट बनाए, बट फिल्मों के लिए भी बजट कंसिडरेट किया जाना चाहिए, जो द काइंड ऑफ रिलीफ दैट द फिल्म इंडस्ट्री एक्सपेक्ट्स, आई होप वो मिले, क्योंकि फिल्म जो हैं पूरे राष्ट्र को जोड़ के रखती हैं अपने एंटरटेनमेंट से, और वो भी एक और रेवेन्यू भी बहुत ज़्यादा देश के कक्ष में डालती है। 2024 में लोकसभा इलेक्शन है, उसको मद्देनजर रखते हुए हाउ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर बजट? नहीं, मैं तो जी आज सिर्फ शिव शास्त्री बेलबाव के बारे में बात करूँगा। शिव शास्त्री बेलबाव दोबारा बोलूँगा, 10 फरवरी को रिलीज़ हो रही है, बाकी सब फिल्मों के बाकी चीज़ों के बारे में बोलना बिल्कुल ठीक नहीं है इस समय, क्योंकि स्ट्रेटेजिकली आप फिर वो चलाएंगे जो मैं फिल्म के अलावा बोल रहा हूँ, और जो फिल्म के बारे में बोल रहा हूँ वो आप चलाने वाले नहीं हैं। अब मैंने बहुत सारे साल गुजार लिए हैं, आप मेरे दोस्त भी रहे हैं, तो मैं जानता हूँ आप किस तरफ जा रहे हैं, तो धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। डायरेक्टर हैं अर्जुन वेणुगोपालन, ओरिजिनली हिंदुस्तान से, केरला से, बट ये पिछले कितने सालों से रह रहे हैं आप? 15-20 साल से ये न्यूयॉर्क न्यू जर्सी में रह रहे हैं, इन्होंने फिल्म डायरेक्ट की है। ये जानना चाहते हैं कि आपको हमारे साथ काम करके कैसा लगा? इट वॉज एन इमेंस प्लेजर वर्किंग विद दीज टू ग्रेटेस्ट एक्टर्स, द फाइनेस्ट वी हैव इन इंडिया। सो माई जॉब वॉज वेरी वेरी ईजी, आई जस्ट हैव टू गो टू द सेट, शो अप एंड जस्ट वॉच देम परफॉर्म। वाई शुड द ऑडियंस वॉच दिस फिल्म? बिकॉज आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इट इज इट्स अ ऑनेस्ट फिल्म, यू नो आई हैव रिटन इट फ्रॉम ऑल ऑफ माई पर्सनल एक्सपीरियंस, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली It's a fun film about reinventing himself and finding the hero within. So, and most importantly, it's a family fun film. So you can please bring your families to theaters and watch it with, and we guarantee you won't be disappointed. And the film is releasing on? February the 10th. Yes. Thank you. Okay. Thank you, sir. Yes. Woohoo! So far. Center from this.
You first, Nargis. Oh, I was actually absolutely wonderful that he invited his students to come see the trailer launch. I think it's very exciting that they have a teacher like Anupam Kher ji, because he is a legend, like we keep saying. So they're actually really lucky, and I think it's great that they came. Thank you. मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा भाई, आई हैव बीन फॉर्चुनेट टू यू नो गेट सच ब्यूटिफुल प्रोजेक्ट्स विद सम अमेजिंग डायरेक्टर्स. तो वो नसीब रहा है मेरा कि मुझे कुछ अच्छे, जैसे फैमिली मैन में राजन डीके साहब ने मुझे कंसिडर किया, मुकेश छाबरा भाई ने कंसिडर किया, वो मेरे लिए खुशनसीबी की बात है. और मैं आई बीन प्लेन लकी आई थिंक, और मैं आई एम ऑल्सो हार्ड वर्किंग एंड ऑल्सो टैलेंटेड, सो तो वो भी दोनों चीज़ें काम कर गई. I mean, the role that I'm playing in our movie is definitely a fun-loving role, but there are many, many roles I would like to explore. I have no limits or boundaries, whether big or small, whether kung fu fighting, whether love story, whether gangster, it doesn't matter. I would love to play it all. That's the beauty of this business. And this job, right? Absolutely. Get to be so many different people. Yeah. In one lifetime. I'd like to be a doctor one day. Yeah. Yeah, I want all the roles. It doesn't matter. A maid, I don't care. Whatever. A truck driver. Lawyer now. Lawyer. A lawyer. Lawyer's yes. good. Yeah, why not? सर जैसे कि हम आपको काफ़ी टाइम काफ़ी समय से देखने लगातार आप किरदार निभा रहे हो, इसके पहले आप इतना फैमिली मैन में निभाए थे एक अलग किरदार, फिर आपने मिशन मजदूर में एक अलग किरदार निभाया, और अभी आप टोटली एक अलग किरदार हैं, तो कितना चैलेंजिंग आपके लिए किरदार निभाने के लिए रहता है? ये काम है हमारा अलग अलग किरदार निभाना, तो वो तो नहीं, मैं चाहता हूँ कि मैं अलग अलग किस्म के किरदार करूँ, और मुझे स्क्रिप्ट जो है वो डिसाइड करता हूँ उसके बूते पे कि मुझे करनी है या नहीं करनी, क्योंकि अगर उसमें जो कैरेक्टर है वो लिखा ही अगर अलग गया होगा तो मुझे अलग करना ही पड़ेगा उसे, उसका कोई ऑप्शन नहीं होगा. तो इसके लिए मैं चुनने के वक्त डिसाइड करता हूँ कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, और ऊपर वाले की कृपा है कि मुझे अलग अलग किरदार मिल रहे हैं, तो या Thank you. Thank you so much. I want producers to come. Come, Maya. Hello. तरुण जी, आप उधर आ जाइए ना. इस तरह. हाँ. ठीक है. हमेशा ऊपर ही देखना. अपना तो ठीक है. ठीक. कराइए जल्दी. अच्छा जो ये फिल्म आपके पास आया तो कैसे लगा? ये फिल्म जब आई हमारे पास अनुपम जी के साथ आई, तो यू कैन इमेजिन to do a film with Anupam sir and Neena ji, it was a blessing in disguise. Itne acche actors ke saath, itne experienced actors ke saath kaam karna, ye to, you know, it was a pleasure. And then on top of that, we had the pleasure to work with Sharif and Nargis. Thank you. To aap इमेजिन कर सकते हैं कि शूटिंग के टाइम में भी सेट्स पे हम लोगों को कितना मज़ा आया होगा. वी हैड अ ग्रेट टाइम, बहुत मज़ा आया. इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म, शिव शास्त्री बलबोआ, देखने लायक पिक्चर है, आपको मज़ा आएगा. आप इस फिल्म से क्यों जुड़े? बहुत ही ईमानदारी से बनाई गई, बहुत ही खूबसूरत फिल्म है, सारे कैरेक्टरों ने अपना बहुत बढ़िया काम किया है, और मैंने इस फिल्म को जब देखा तो बहुत ही इंजॉय किया. कई बार देख चुका हूँ, ट्रेलर्स का कई बार देख चुका हूँ, कभी बोर नहीं होता हूँ. बहुत सुंदर फिल्म है, आप सबको ज़रूर देखनी चाहिए. टेंथ फेब को सिनेमा हॉल्स में रिलीज़ हो रही है शिव शास्त्री बालबोआ, तो प्लीज़ प्लीज़ देखिएगा. इस कास्ट के साथ फिर से एक एक फिल्म क्यों, 10-10 फिल्में कोई क्यों नहीं बनाना चाहेगा. इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन, मेरे डायरेक्टर कहाँ पे है, उन्होंने नीना जी, अनुपम जी, शारिफ, नरगिस, मतलब ये डेडली कॉम्बिनेशन है ना, इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन है.
पूरी इंडस्ट्री इनके साथ बार बार फिल्म बनानी चाहेगी। मैं तो बनाना ही चाहूँगा, पर पता नहीं इस फिल्म के बाद ये लोग मुझे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। इतने व्यस्त होने वाले हैं। आई डिटो द फीलिंग्स इन लोगों के साथ, इस टीम के साथ, शारिब, नरगिस, अनुपम जी, नीना जी, इनके साथ तो जैसे तरुण जी ने कहा कोई भी फिल्म बनाना चाहेगा, हम तो चाहेंगे कि और बहुत सारी फिल्में बनाएं इनके साथ। और अजयन जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं, उधर खड़े हैं, आप प्लीज़ आके हम लोग को ज्वाइन करिए। ये इनने इतना अच्छा डायरेक्शन किया है, इतना आपको, आप जब पिक्चर देखेंगे तब आपकी समझ में आएगा इनने कितना बढ़िया काम किया है। और इनके साथ भी हम और पिक्चर बनाना चाहेंगे। How do you feel about the pairing that you have? How exciting is it? Only Ajay could have thought of it. Yeah, I mean, I was just looking for a contrast. I love using contrast, especially in scenes and special movies. So this is the greatest contrast. इससे contrast में कुछ नहीं हो सकता. Exactly. So this is also real life experience. It's totally from real life experience. How do you feel, Ajay? आपको कैसे लग रहा है? मैं मतलब मुझे तो, मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो जब फ़ोन पे जब सुना था तो मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। मुझे लगा क्योंकि मलयाली है अजयन भाई, तो मुझे लगा कि ही इज़ टॉकिंग अबाउट सम वर्गीस, मिस वर्गीस। मतलब अच्छा कोई मिस वर्गीस कोई बड़ी साउथ की स्टार होंगी वो कर रही है। आर यू श्योर इट्स नरगिस और वर्गीस? प्लीज़ 10th February को फिल्म रिलीज़ हो रही है शिव शास्त्री बालबोआ सारे सिनेमा हॉल्स में, तो प्लीज़ 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 अपने पूरी फैमिली के साथ में आकर सिनेमा हॉल्स में फिल्म देखें, हम सबकी गुजारिश है। नरगिस जी आप एक पर्सनल, हाँ गाइस प्लीज़ कम एंड वॉच अस February 10th एट द सिनेमास, यू आर गोइंग टू लव इट। और हम एक चीज़ ऐड कर दें, ये पिक्चर अभी हम लोगों ने OTT पे रिलीज़ नहीं की है, so you must come to the theater and watch this movie. Yes, thank you. thank you so much. Thank you. Thank you so much.